अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। टुडे आई एम टेकिंग द सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ एंड वांट्स टू एक्सप्लेन द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 1, द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। आज मैं आपका पाकिस्तान स्टडीज़ सब्जेक्ट ले रही हूँ। इसमें आप द फर्स्ट चैप्टर इज़ द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम को जस्टिफाई करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको। इज़ अ टाइप ऑफ लॉन्ग आंसर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे बोर्ड में, उसमें ये शॉर्ट नोट में आता है एंड समटाइम्स कम्स इन लॉन्ग आंसर्स। इन मीन के ऐसा क्वेश्चन भी, मतलब विदाउट शॉर्ट नोट भी आ सकता है ये, लेकिन लॉन्ग के पोर्शन में सेक्शन सी में ये कंसिडर किया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। ओके, आपको क्या करना है, जस्ट मेक फर्स्ट टर्म इन योर फर्स्ट टर्म और मिड टर्म, वट एवर यू वॉन्ट टू। लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आप मिड फर्स्ट टर्म ही लिखें। फर्स्ट टर्म का टाइटल पेज बनाएं, फर्स्ट टर्म बनाएं अच्छा सा खूबसूरत सा, देन आप इंडेक्स बनाएं अपने पाकिस्तान स्टडीज़ की कॉपी में, और फिर इसके बाद ये आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल पेज बनाएं। Then you can able to see on your screen the first long answer, the very important long answer of this chapter number 1, ideological basis of Pakistan. Question is, mention the principles of democracy in Islam. Question utare hain sabse pehle, ye bilkul first topic hai aapka title page ke, foran baad aapne kaam start karna hai. Okay, मेंशन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, डेमोक्रेसी की हेडिंग आएगी, और फिर इसके बाद इस तरीके से सेंट्रल अलाइनमेंट करनी है आपको, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर देन इसका ओरिजिन बताना है कि डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड है, मीन्स यूनानी ज़बान का लव्ज है डेमोक्रेसी। डेमो अलग है, क्रेसी अलग है, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, उनको मिला के डेमोक्रेसी बनता है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आएगी, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, जो कोटेशंस होती हैं या रेफरेंसेस होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, मतलब डायरेक्ट हमारा हम जहाँ पे अपना फोकस दिलाना चाहते हैं, तो उसको इस तरीके से सेंट्रल अलाइनमेंट में लिखते हैं। देन इसके बाद इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी मेन हेडिंग्स हैं वो आप ब्लू मार्कर से डालें, और जो साइड हेडिंग्स हैं वो आप ब्लैक मार्कर से डालें, ठीक। देन इसके बाद इस तरीके से ये जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी का बॉडी टेक्स्ट कंटिन्यू है, यहाँ पे ये लाइंस आ गई हमारी। फिर इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम के मैंने इस तरीके से बुलेट्स में लिखा है, चारों प्रिंसिपल्स, चार प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली इस्लाम डेमोक्रेसी के, मीन्स जमहूरियत के, इस्लामी जमहूरियत के चार उसूल हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रटर्निटी एंड टॉलरेंस। जस्टिस इज़ द फर्स्ट मेन हेडिंग ब्लू से डालें, साइड हेडिंग ब्लैक से डालें। अच्छा, फिर इसके बाद इस फर्स्ट मेन हेडिंग के अंदर चार सब हेडिंग है आपके पास, फंडामेंटल डिवाइन लॉ, सेकेंड इज़ कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू सोर्स ऑफ यूनिटी इन लाइट्स ऑफ द होली कुरान। मतलब ये कि जस्टिस बेसिकली क्या है, जस्टिस को उर्दू में कहते हैं इंसाफ, और इंसाफ की डेफिनेशन क्या है, लिटरल मीनिंग है कि जस्टिस का मतलब है इज़ टू कीप द राइट थिंग एट देयर राइट प्लेस, सही चीज़ को सही जगह पे रखा जाए या सही तराजू में तोला जाए, सही बात को, सही और गलत दोनों को तराजू में तोलना जस्टिस कहलाता है। और फिर इसके बाद इसकी जो हेडिंग सी में सबसे पहले फंडामेंटल डिवाइन लॉ, खुदा का कानून है इंसाफ, कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, जहाँ जिस सोसाइटी में इंसाफ होगा वहाँ पे इंडिविजुअल मतलब इनफरादी तौर पे जो लोगों के कैरेक्टर्स डेवलप होंगे वो बहुत बेहतरीन होंगे। सोर्स ऑफ यूनिटी, इंसाफ होगा तो यूनिटी बढ़ेगी। इन द लाइट्स ऑफ होली कुरान, कुरान पाक की रोशनी में कहते हैं कि जस्टिस इज़ अ मेन पिलर ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट सुतून है। अच्छा, इसके बाद इक्वालिटी है, इक्वालिटी सेकेंड इंपॉर्टेंट हेडिंग, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इस्लाम, बराबरी। फिर इसके बाद बता रहे हैं इसके इन्होंने कितने चार
हेडिंग्स इनकी कवर की हैं, चार। सबसे पहले इस्लाम रिजेक्ट्स डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये कि इस्लाम जो है डिस्क्रिमिनेशन को की मुखालिफत कर, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है तफरीक, नस्ल, रंग, कलर और ज़बान को लेके जो तफरीक होती हैं, जो तजाद होते हैं, उनको इस्लाम रोकता है, मना करता है इन चीज़ों से। सोशो इकोनॉमिक सिस्टम माशी समाजी निज़ाम बताता है कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है बराबरी के साथ। इम्पोजिशन ऑफ ज़कात, मतलब ज़कात की जो तरीके हैं, जो पैटर्न्स इस्लाम ने बताए हैं, वो है इस्लाम में बराबरी के अंदर आता है। इन द लाइट ऑफ होली कुरान ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून में तमाम ह्यूमन बीइंग्स बराबर हैं। ये दो प्रिंसिपल्स हो गए। देन इसके बाद फ्रेटर्निटी है। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, इट मीन्स ब्रदरहुड। इन अदर वर्ड्स, इन द वर्ड्स ऑफ होली कुरान ऑल बिलीवर्स आर ब्रदर्स टू ईच अदर। फ्रेटर्निटी का दूसरा मतलब है, सिनोनिम है ब्रदरहुड, मीन्स भाईचारगी या हुवत। कुरान पाक में इन अल्फाजों में कहा गया है कि तमाम इस्लाम के मानने वाले आपस में भाई भाई हैं। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रदरहुड बताया गया है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रदरहुड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, इसके बाद कहते हैं द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड प्रमोट्स अफेक्शन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, सेल्फलेस सर्विस एंड सेक्रीफाइस। भाईचारगी, जहाँ जिस सोसाइटी में भाईचारा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, सेल्फलेस होते हैं, मतलब खुद परस्ती नहीं होती, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के साथ मिल के रहते हैं। इन दिस वे सोसाइटी बिकम्स पीसफुल एंड अ प्लेस ऑफ कम्फर्ट फॉर ऑल। और इस तरीके से जो सोसाइटी होती है बहुत पीसफुल रहती है, बहुत अमन होता है सोसाइटी में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इन द लाइट ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज जो बताए गए यहाँ पे, क्या मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू अनदर मुस्लिम एंड इस्लाम डज नॉट अलाउ कॉन्स्पिरेसी और इविल विल इवन टूवर्ड्स नॉन मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो भाई भाई बन के चलें, साथ एक दूसरे का ख्याल रखें, ना सिर्फ मुसलमान आपस, बल्कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनके खिलाफ भी किसी किस्म की कोई साजिश, कोई बुराई ना की जाए। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिशें, नॉन मुस्लिम से भी करने की इजाज़त नहीं इस्लाम में, तो हम आपस में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कोई साजिश, कोई नफरत, कोई बुराई कैसे कर सकता है। जब इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नॉन मुस्लिम के लिए मना कर दिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है इस्लाम में, शरीयत में, कि आप किसी अपने मुसलमान भाई के साथ गलत करो, उसके लिए गलत सोचो। देन इसके बाद द फोर्थ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इस्लाम या डेमोक्रेसी इन इस्लाम इज़ टॉलरेंस, जिसका उर्दू मतलब है बर्दाश्त। टॉलरेंस की बहुत वैल्यू है इस्लाम में। टॉलरेंस हैज़ ग्रेट वैल्यू इन इस्लामिक टीचिंग्स। इट प्रमोट्स लव फॉर अदर्स। पहले बताते हैं कि द लाइट ऑफ होली प्रॉफिट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्फाजों की रोशनी में, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम प्रीच टॉलरेंस थ्रू हिज वर्ड्स एंड डीज़। उन्होंने टॉलरेंस मीन्स बर्दाश्त से वो अपने अल्फाजों में नहीं, अपने आमाल से भी बताया। द बेस्ट वे टू डेवलप सोशल रिलेशंस इज़ टू स्प्रेड टॉलरेंस। अगर आप सोशल रिलेशंस को डेवलप करना चाहते हो तो आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को, एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की खामियों को, एक दूसरे की बुराइयों को जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे, दूसरों के ऐबों पर पर्दा नहीं डालोगे, तो सोसाइटी कभी भी पीसफुल हो ही नहीं सकती। राइट्स ऑफ द नॉन मुस्लिम, द इस्लामिक सोसाइटी ऑनर्स एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द नॉन मुस्लिम थ्रू टॉलरेंस। वी मस्ट शो टॉलरेंस टूवर्ड्स नॉन मुस्लिम। इस्लामिक सोसाइटी ऑनर देती है, प्रोटेक्शन देती है नॉन मुस्लिम्स को, कि उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए। और नॉन मुस्लिम में ऐसा नहीं कि उनके साथ टॉलरेंस छोड़ देना है, उनके साथ उनके मामले में टॉलरेंस नहीं रखना क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि मुस्लिम्स तो मुस्लिम, लेकिन नॉन मुस्लिम्स के साथ भी आपको वही रवैया इख्तियार करना है, वही प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है जो आप एक मुसलमान भाई के साथ करते हो।
अच्छा जी, कॉन्क्लूजन क्या कहता है और फिर आखिर कहता है कि इन इस्लाम द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन द वेस्ट। इस्लाम में जो जमहूरियत का जो कानून है, जो निज़ाम है, और जो वेस्ट में जो निज़ाम है, सॉरी जो वेस्ट में निज़ाम है उससे डिफरेंट है। द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ बीन टेकन फ्राम द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। द मेन इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी आर जस्टिस, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड फ्रेटर्निटी। ये कहते हैं कि जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, वो बेसिकली इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी मीन्स अल्लाह पाक। सॉवरेनिटी पावर कौन है? सॉवरेन पावर कौन है? अल्लाह पाक है। ये अल्लाह पाक ने जो चीज़ें, जो अहकाम हमें दिए, बेसिकली इस्लाम वही है। उसमें है जस्टिस, इक्वलिटी, टॉलरेंस, फ्रेटर्निटी। पाकिस्तान केम इन टू बींग टू इम्प्लीमेंट द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान को बनाने का मकसद क्या था? कि ऐसा मुल्क, ऐसी मुमलिकत जहाँ पे इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा सके, जहाँ पे जमहूरी निज़ाम जो हो वो इस्लामी हो। देयर इज़ अ वेस्ट नाउ अ डेज देयर इज़ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे इस्लामी निज़ाम, इस्लामी जमहूरियत का निज़ाम नाफिज नहीं है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है पाकिस्तान में, विच मस्ट बी अबॉलिश्ड एंड रिप्लेस बाय इस्लामिक डेमोक्रेसी। जो क्या कर रहा है? इस्लामिक डेमोक्रेसी को अबॉलिश्ड कर रहा है, मीन्स स्पॉइल कर रहा है। पाकिस्तान बनाने का मकसद यही था कि ऐसी ज़मीन या ऐसी मुमलिकत जहाँ पे इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का इंसान को मौका मिले। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में समहाउ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है। मगरबी ममालिक से ज़्यादा मुतासर हैं हम। ओके, अब क्या करना है आपको? करना ये है, अपने स्कूल के फेयर रजिस्टर्स पाकिस्तान स्टडीज़ के ओपन करेंगे, फिर इसके बाद आप मिड टर्म का टाइटल बनाएंगे, इंडेक्स को प्रिपेयर करेंगे, इंडेक्स, फिर इसके बाद आप टाइटल पेज बनाओगे। टाइटल पेज आइडियोलॉजी का बेसिस ऑफ पाकिस्तान एज़ अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन शुरू करोगे आप लिखना, इसको आप नोट डाउन करोगे अपने स्कूल के फेयर रजिस्टर्स में। एज वी कन्वेड इन आर लास्ट लेक्चर के नोट्स अवेलेबल हैं स्कूल में, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो मतलब ये कि एनी टाइम मीन्स ये कि स्कूल प्रेमिसेस में आके तमाम स्टूडेंट से ये कन्वे कर रही हूँ मैं कि वो स्कूल प्रेमिसेस में आके पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनको आके उनके नोट्स आप स्कूल से रिसीव कर सकते हैं। सही, अब नोट्स में क्या चीज़ है कि नोट्स में बहुत चीज़ें हैं, सही है, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको लिखना ज़रूरी है कॉपी में। तो ये क्वेश्चन जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, ये आपको लिखना ज़रूरी है। लिखना क्यों ज़रूरी है? इस तरीके से जब आप ये क्वेश्चन कॉपी डाउन करोगे तो आपको बेसिकली पाकिस्तान स्टडीज इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन प्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इससे आपको प्रेजेंटेशन का भी आइडिया होगा कि मेन हेडिंग कैसे लगानी है, साइड हेडिंग कैसे लगानी है, और नोट डाउन करना बेनिफिशियल होगा इस तरीके से आपके लिए। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो कि पाकिस्तान स्टडीज़ की स्कूल की फेयर कॉपीज़ में जो डेफिनेटली जो भी हमारे पोर्टल के थ्रू जो हमारे नोटिस आपको रिसीव होते हैं कि कॉपी किस दिन सबमिट करनी है, सबमिट आप करेंगे और फिर ये काम आपका चेक होगा। देखें, इस तरीके से आपको ये पूरा काम करना है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, समझ आ रहा होगा। देन इसी तरीके से बिल्कुल काम करना है। जो हमारी मार्जिन लाइन है वो ब्लू से ड्रॉ करें, मेन हेडिंग ब्लू से लें, साइड हेडिंग ब्लैक से लें। ठीक, इस तरीके से ये वाइंड अप होगा क्वेश्चन। ओके, ये काम आपको अपने स्कूल की फेयर कॉपीज़ में करना है। एजुकेटर्स, दी एजुकेटर्स की जो हमारी फेयर कॉपीज़ है, इसमें आपको काम करना है। ओके, इंशाल्लाह स्कूल्स विल बी
सून ओपन, विल बी सून रीओपन. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.